प्रांजलि टीवी के अपडेट्स तुरंत पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक व शेयर करके अपना अपना देते रहिए। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विप्रांजलि। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2019 के राशिफल की। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, काम धंधे, अर्थव्यवस्था, प्रेम और दाम्पत्य के लिए साल 2019 आपको कैसे परिणाम देने वाला रहेगा। इस साल आपको कितने भाग्य स्टार्स मिलेंगे और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किन उपायों को करके आप और बेहतर नतीजे पा सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि आप लग्न राशि के आधार पर इस राशिफल को देखेंगे तो परिणाम अधिक सटीक रहेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कन्या राशि के स्वास्थ्य की। कन्या राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए यह साल औसत परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। ये चतुर्थ और पंचम भाव जो हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं या अधिकांश समय अच्छे नहीं रहेंगे, जो आपको मानसिक तनाव दिला सकते हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ये शनि का जो प्रभाव है ये प्रथम भाव पर भी रहेगा, जो कभी कभार शरीर में आलस्य की मात्रा को बढ़ा सकता है अथवा स्वास्थ्य को कमजोर रख सकता है। और पंचमेश शनि अपने से द्वादश में है, अतः कभी कभार पेट से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं। विशेषकर पेट में गैस बनने के कारण आपको कुछ तकलीफ उठानी पड़ सकती है, सीने से संबंधित कुछ तकलीफें भी रह सकती हैं। यानी कि इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतन मंथन करना होगा, खासकर यदि आप योग और व्यायाम का सहारा लेंगे तो शनि की दृष्टि से जो दुष्प्रभाव आ सकता है, जिसकी संभावनाएं हैं, उससे आप खुद को बचा लेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग और मेडिटेशन इत्यादि का सहयोग लेना उचित रहेगा। यानी कि स्वास्थ्य के मामले में सजग रहकर आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। और बात कर ली जाए आपकी शिक्षा की। सामान्य तौर पर शिक्षा के लिए साल अच्छा रहेगा। विशेष बात यह कि यह साल इस साल पंचमेश शनि अपने से द्वादश में है, वहीं चतुर्थेश बृहस्पति भी अपने से द्वादश में हैं, यानी प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी हों या फिर उच्च शिक्षा वाले विद्यार्थी, मेहनत तो दोनों को करनी पड़ेगी, थोड़ी सी भी लापरवाही इस साल नहीं चलेगी। हालांकि उन विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक अच्छे परिणाम मिलेंगे जो अपने घर से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। शनि केतु ये कई बार पढ़ाई से मन को भटकाने की कोशिश करेंगे, ऐसे में मन को शांत रखना, मन को पवित्र रखना, सुंदर और अच्छे साहित्य पढ़ना जिनसे कि मन ना भटके, ये कार्य आपको अच्छा ही देंगे। अगर आप मन को शांत रखकर पढ़ाई करते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो संतोषजनक परिणाम आपको मिलते रहेंगे। आइए बात करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की। आर्थिक मामलों की बात की जाए तो इस साल आर्थिक मामलों में बेहतरी आ सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। आपकी कुंडली का चतुर्थेश और सप्तमेश बृहस्पति, जो कि धन का कारक भी है, ये लाभ भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में लाभ की अच्छी संभावनाएं मजबूत होंगी और साथ ही साथ प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति के मामले में भी कुछ लाभ मिल सकता है। यदि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे आप लंबे समय से बेचने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, वो बिक नहीं रही थी, तो इस साल बिक सकती है। अथवा आप कोई फायदे की प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं जिसे आगे चलकर बेचने का विचार रहे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामलों के लिए साल अच्छा है। किसी पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयास करेंगे तो वह भी चुकता हो जाएगा। और अब बात कर ली जाए आपके प्रेम की, आपके दाम्पत्य की। कुंडली के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है और पंचमेश शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है, यानी प्रेम संबंधों के लिए ये साल तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर है। हो सकता है कि आपस में प्रेम बना रहे तो मिलने मिलाने के मौके कम मिले, अथवा ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी कारण से आपसे दूर रहने लगे, पढ़ाई के लिए, काम के लिए उसे कहीं जाना पड़े, यानी चाहे वो शारीरिक दूरी हो या मानसिक दूरी, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक मामलों के लिए साल अच्छा रहेगा क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति सप्तम भाव को देखेगा, अतः विवाह के सुंदर योग निर्मित करेगा। वैवाहिक मामलों में बेहतरी आने के योग बन रहे हैं।
यदि उम्र विवाह की हो गई है तो विवाह के योग बनेंगे, और जो लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि कर्म से भाग्य बदलता है, तो उनका विवाह हो जाएगा, साथ ही साथ संतान प्राप्ति के योग भी मजबूत होंगे। सारांश यह कि यह वर्ष वैवाहिक मामलों के लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए एवरेज रहेगा, औसत रहेगा। ऐसे में प्रेम संबंधों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तभी आप प्रेम का आनंद उठा पाएंगे। अब बात कर ली जाए आपके काम धंधे की। कार्य क्षेत्र को लेकर इस वर्ष आपको थोड़ी सी अधिक मेहनत करने की जरूरत रहेगी। यदि आप कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस साल इस मामले में आपको मदद ग्रह गोचरों के द्वारा मिल जाएगी, लेकिन यदि आप अपने कार्य को यथावत रख रहे हैं तो इस वर्ष तुलनात्मक रूप से आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मॉडिफिकेशन कर लें। हालांकि लाभ मिलता रहेगा, लेकिन लाभ और सुंदर रहे, यानी कि सुंदर लाभ पाने के लिए आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वरिष्ठ सहकर्मी आपको परेशान करते हुए शायद देखे जा सकें, वहीं अधीनस्थ कर्मचारी उस लेवल का सपोर्ट शायद ना करें जिस लेवल की आप उनसे उम्मीद रखते हैं। यानी कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं, लेकिन सकारात्मक बात यह है कि अंत में आपके काम बनेंगे, आप अपने कामों में सफलता अर्जित करेंगे। अब बात कर ली जाए आपके भाग्य स्टार्स की। तो आप यह जान लीजिए कि यह साल आपको 5 में से 3 स्टार्स देना चाह रहा है। और अब चलते चलते बात उपायों की। यदि परेशानियां हो तो उपाय के रूप में केतु व शनि की विधिवत शांति कराएं, प्रत्येक चौथे महीने रुद्राभिषेक करें अथवा करवाएं। साथ ही साथ अपशब्दों का प्रयोग करने से आपको खुद को बचाना है, अथवा किसी जानकार ज्योतिषी से मिलना है, व्यक्तिगत रूप से उनकी सलाह लेनी है कुंडली दिखा करके, कि आपको कौन सी ग्रह दशाएं प्रभावित कर रहे हैं जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं, उन उपायों को जानिए, उन्हें संपन्न कराइए और बेहतर परिणाम पाइए। यह राशिफल ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली के अनुसार आपको अलग परिणाम भी मिल सकते हैं, अतः सटीक फलादेश के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर फोन करके अपना सशुल्क अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी कुंडली दिखवाइए और उचित परामर्श प्राप्त करिए। पुनः स्पष्ट कर दें कि हमारी आजीविका का यही इकलौता माध्यम है, अतः हम एक छोटी सी कंसल्टेंसी फीस आपसे चार्ज करते हैं, उसे जमा करिए और अपना भविष्य जानिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन विदा लेने से पहले एक विशेष संदेश। स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।